लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व बिहार में मनाया जा रहा है। इसको लेकर जो बिहार के बाहर प्रवासी रहते हैं वो बिहार लौटकर अपने घर को पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ प्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है। 30 से ऊपर प्रवासियों की संख्या है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां मुजफ्फरपुर की उत्पाद विभाग के विशेष अभियान के द्वारा जो है 30 प्रवासियों को पकड़ा गया है। इसके तहत दूसरे शहरों में रह रहे लोग जो छठ के त्योहार पर अपने घर आ रहे हैं और साथ में शराब ला रहे हैं, उनको उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तार किया है। तो वह इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रभारी उत्पाद विभाग के अधीक्षक कुमार अभिनव खुद कर रहे हैं। बता दें आपको कि बिहार में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस मौके पर दूसरे प्रदेशों में रह रहे तमाम प्रवासी लोग अपने घर लौटते हैं। इसी बीच छठ त्योहार जो है मनाने को लेकर बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में रहने वाले बिहारी घर आ रहे हैं, तो वहीं लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। मगर उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने शुक्रवार को 30 से ज्यादा प्रवासियों को जो है बिहारियों को कहीं ना कहीं शराब के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी चल रही है, ऐसे में राज्य में शराब जो है उपलब्ध नहीं है। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग भारी मात्रा में शराब लेकर अपने घरों को लौट रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर की उत्पाद विभाग विशेष अभियान चला रही है। तो वहीं उत्पाद विभाग की 11 टीम पूरे जिले में चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग प्रभारी उत्पाद अधीक्षक कुमार अभिनव खुद कर रहे हैं। ऐसे में लगातार जो है मॉनिटरिंग जारी है, लगातार जांच किया जा रहा है, प्रवासियों को सबसे ज्यादा चेक किया जा रहा है। 30 से ऊपर प्रवासियों की गिरफ्तारी हुई है जहां पर शराब पकड़ा गया है, जहां छठ पूजा मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर बिहार के अनेक जगहों से जहां बाहर रहते हैं वहां से शराब लेकर अपने घर को लौट रहे हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 30 से ज्यादा प्रवासी बिहारियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं में शामिल राजेश नाम के व्यक्ति ने बताया है कि वह कानपुर से आया हुआ है, वहीं साथ के कहीं ना कहीं शराब की बोतलें भी लाया है। तो वहीं रास्ते में चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया है। बता दें आपको कि उसके साथ कई अनेक नाम के लोग पकड़े गए हैं और लगातार जांचें जारी है। मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आ रही है सामने, जहां 30 से ऊपर प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को देखते हुए जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून है, इसको देखते हुए जांचें चल रही है। जिस तरीके से छठ पूजा है, बिहार के बाहर कई प्रवासी रहते हैं, वो अपने घर को लौट आ रहे हैं, लेकिन साथ में शराब लेकर कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो आ रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। करीब 30 से ऊपर लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखने वाली बात यह होगी और कितने लोग पकड़ाते हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।